नमस्कार दोस्तों, अमित शाह ने वो काम कर दिखाया है जिस काम के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में उन्हें शामिल किया था, और वो होम मिनिस्टर बनने के बावजूद भी होम मिनिस्टर से ज़्यादा नरेंद्र मोदी के चाणक्य बने हुए हैं, और समय समय पर उनके पास ऐसे ऐसे प्लान होते हैं कि जिनका कोई तोड़ किसी राजनीतिक दल के पास नहीं होता। देखिए, अमित शाह ने 2 दिन का दौरा अपना पूरा कर लिया पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल के इस 2 दिन के दौरे के बाद जो सिनेरियो वहाँ का बनकर सामने आ रहा है वो कुछ और ही है। मेरे एक पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, असगर अली, जो कि कोलकाता में प्रभात खबर अखबार में वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मेरी इस दौरे के बारे में उनकी बात हुई, और मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि वहाँ पर माहौल अब इस समय पश्चिम बंगाल में कैसा चल रहा है, यानी कि वहाँ पर TMC और BJP के बीच जो कशमकश है, जो राजनीतिक खींचतान लंबे समय से चल रही है, वो किस मकाम पर जाती हुई नज़र आ रही है, और उन्हें यहाँ की स्थिति कैसी नज़र आ रही है राजनीतिक। तो आप शायद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो उन्होंने फैक्ट्स मुझे बताए हैं, उन्होंने ये कहा कि दोनों के बीच में 50-50 की पोजीशन है, और यहाँ पर अब जिस तरीके से अमित शाह ने टीम को मोबिलाइज्ड कर दिया है, अपनी टीम को और ऊपर ले गए हैं वो उनके आत्मबल को, उसके बाद तो ये लग रहा है कि BJP यहाँ अच्छी खासी फाइट में आ रही है, और बाकी TMC के सामने फाइट में यहाँ अगर कोई है तो केवल BJP है, और कांग्रेस और दूसरे वाम दल वगैरह तो वहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं भी। और ये एक बड़ी बात असगर जी ने मुझसे कही। उनका ये भी मानना है, जो पत्रकार हैं वहाँ की, जो लॉबी है, उनमें कुछ और पत्रकारों से मैंने इस बारे में बात की, उनका ये मानना है कि दरअसल इस समय अमित शाह का जो ये दौरा था ये एक परसेप्शन क्रिएट करने वाला दौरा था। उधर बिहार का चुनाव प्रचार ख़त्म हो गया और इधर पूरी BJP का ध्यान अब बंगाल की तरफ शिफ्ट हो गया। लोग ये कह रहे थे कि अमित शाह को कोरोना हो गया था, अमित शाह बीमार थे और इसी वजह से वो नहीं जा पाए बिहार के दौरे पर। बिहार में उन्होंने एक भी चुनावी रैली नहीं की, जबकि अमित शाह के बिना कोई भी चुनाव पूरा नहीं होता है BJP का किसी भी स्टेट में। तो उस समय के बारे में लोग ये भी कह रहे थे कि भाई कोरोना हो गया था, उसके बाद वो 15 दिन का डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट बता दिया था, उसके बाद वो विश्राम पर चलते रहे। मैंने इस पर एक वीडियो अलग से बनाया था कि वो बिहार के प्रचार में ना जाकर क्या कर रहे थे इस दौरान। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि वो कैसे उन्होंने कश्मीर की स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज किया, क्योंकि कश्मीर में अब ग्राउंड वर्क कुछ नहीं करना है, कश्मीर में जो भी काम अब BJP को करना है या वहाँ पर जो केंद्र सरकार को काम करना है वो सिर्फ पेपर वर्क है, पेपर वर्क पे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और अमित शाह ने जब उन्हें कोरोना हुआ था तो उस समय इस सारे काम को उन्होंने आगे बढ़ाया, और बताया जाता है कि 5 नवंबर तक उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा गया था, 4-5 नवंबर तक, और 4-5 नवंबर में ही वो पश्चिम बंगाल में पहुंच गए। और अमित शाह से जब पत्रकारों ने इस बारे में पूछा कि आप अस्वस्थ थे, बिहार में नहीं गए, आप पश्चिम बंगाल में कैसे आ गए, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अब मैं स्वस्थ हूँ और इसलिए मैं यहाँ से अपना चुनाव अभियान शुरू कर रहा हूँ। एक तरह से उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि अब BJP का ध्यान पश्चिम बंगाल पर फोकस्ड है, और पश्चिम बंगाल पर BJP का ध्यान इसलिए भी फोकस्ड है क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी नज़र नहीं आ रही है। बिहार में JDU है, राष्ट्रीय जनता दल है, लोक जनशक्ति पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, कांग्रेस भी थोड़ी बहुत बची हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर BJP के अलावा छोड़ दें बाकी दलों को, TMC के सामने यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है, और एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसे कवर करने के लिए BJP यहाँ प्रयासरत है। और इसकी जो सेंस है उन्हें 2019 में हो गई थी, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में 18 सीटें यहाँ से जीती, जो कि आज तक का एक रिकॉर्ड है, इतनी सीटें कभी BJP यहाँ पर नहीं जीत पाई। बहरहाल, मैंने आपको बताया कि अमित शाह ने पहले दिन का जो अपना कार्यक्रम था उसमें कुछ BJP कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कुछ ऐसे BJP कार्यकर्ताओं से मिले जिनकी मौत हुई थी पिछले दिनों, उनके परिवारों से मिले, एक आदिवासी परिवार के घर में उन्होंने खाना भी खाया था कल, और इसके अलावा उन्होंने जो है कुछ पार्टी की एक गोपनीय मीटिंग भी की थी, और उसी में उन्होंने कहा था कि हमें 200 सीटें जीतने का टारगेट
यहाँ के लिए रखना है। दूसरे दिन भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और दूसरे दिन जो अमित शाह है उन्होंने दूसरे दिन की शुरुआत की दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करके। यहाँ स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस ने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी और परमहंस हिंदू नवजागरण के प्रमुख सूत्रधारों में एक माने जाते हैं। 2015 में जब नरेंद्र मोदी PM बने थे उसके बाद वो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे और इस समय अमित शाह वहाँ पहुँचे। अमित शाह ने चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो, इन सब का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ममता सरकार को उन्होंने गरियाया खूब जमकर। उन्होंने कहा कि बंगाल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है लेकिन आज तुष्टिकरण चरम पर है। स्वाभाविक है कि शाह हिंदू मतदाताओं के बारे में ऐसा कह रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निश्चित रूप से एक BJP अपनी सरकार बनाएगी। और इसके बाद वो जो है मतुआ समुदाय के पास गए। मतुआ समुदाय वहाँ पर एक बड़ी भारी संख्या में है और ये बताया जाता है कि मतुआ समुदाय जो है वो SC आबादी जो है वो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है पश्चिम बंगाल का। और मतुआ समुदाय जो है यहाँ पर 72 लाख की आबादी में है और 8 से 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इनका प्रभाव है। और बिहार बंगाल की 2.25 करोड़ की SC आबादी में 33 लाख नमो शूद्र हैं जिसका एक बड़ा हिस्सा मतुआ है। 1950 से मतुआ धार्मिक प्रताड़ना के बाद बंगाल आए थे और शाह का साफ संदेश है कि हिंदुओं में अगड़े पिछड़े की राजनीति खत्म हो और एकजुट होकर हम ममता सरकार के खिलाफ वोट करें। उनका मानना है कि कौन दलित है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, हिंदू हिंदू है और बाकी तुष्टिकरण की राजनीति वो कर ही रहे हैं। और उन्होंने एक और संदेश दिया अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि ममता सरकार का मृत्यु घंट बज चुका है। सोनार बंगला की रचना और बंगाल में परिवर्तन मोदी के नेतृत्व में आ सकता है। ये सरकार को उखाड़ कर फेंकिए, एक मौका BJP को दीजिए। 200 से ज़्यादा सीटों के साथ BJP यहाँ सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कई और कोशिशें की और मशहूर संगीतकार के घर पर गए, एक अजय चक्रवर्ती के घर पर गए, वो उनसे मुलाकात की। और इससे पहले उन्होंने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी थी जो आदिवासी नेता थे। और इसके अलावा उन्होंने बांकुरा गांव में एक आदिवासी BJP कार्यकर्ता के घर पर खाना भी खाया था। तो अमित शाह ने काम कोई छोड़ा नहीं है, उन्होंने एक ऐसा सेटअप बना दिया है अब BJP में कि अब BJP को आगे के बारे में सोचना होगा कि वो क्या करना चाहती है वहाँ पर। और अमित शाह जो इस समय फोकस कर रहे हैं वो इस पर भी फोकस कर रहे हैं कि वहाँ पर प्रत्याशियों का निर्धारण किया गया और किस तरह के प्रत्याशियों को BJP टिकट देने जा रही है ये भी खास तौर से फोकस किया जाए। और उन्होंने जो है जो राज्य भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं अग्निमित्रा पॉल, उनकी जो सदस्य थी महिला संगठन की, उनकी वो सब भी मौजूद रही दक्षिणेश्वर काली मंदिर में और इन सब लोगों ने शंख बजाकर उनका स्वागत किया। और पंडित अजय चक्रवर्ती जी से मिले जो संगीत की दुनिया के बड़ा नाम है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये सब चीज़ें अमित शाह ने इस तरीके से चैनलाइज कर दी हैं कि अब मुझे लग रहा है कि जो मेरे मित्र असगर अली ने कहा है वो सही साबित होने जा रहा है और BJP यहाँ पर कड़ी फाइट देने जा रही है ममता बनर्जी को। इसी वजह से ममता बनर्जी नाराज़ हैं, खफा हैं और लगातार केंद्र सरकार पर हमले बोल रही हैं और उन केंद्र सरकार से असहयोग भी उन्होंने कई बार किया है, मीटिंग्स में नहीं आती हैं। तो फिलहाल स्थिति यही है बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में अब BJP ने अपनी जो है वो जड़ें मजबूत कर ली हैं और अब BJP निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जो कि 6-7 महीने में होने जा रहे हैं यहाँ ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा जनादेश एकत्र करने की ओर बढ़ चुकी है। बहरहाल अमित शाह के बारे में हम बात करते रहेंगे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाई, दिस इज पूजा बेदी एंड आई लाइक टू से दैट आई एम डीपली ग्रेटफुल टू हर्ष फॉर हिज वंडरफुल वंडरफुल एंड कोरेजियस रिपोर्टिंग एंड द फैक्ट दैट ही ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर व्हाट ही थिंक्स इज राइट। थैंक यू हर्ष फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द लव एंड रॉक ऑन। एवरीवन हू इज वाचिंग दिस डोंट हेसिटेट टू प्रेस द लाइक, share, subscribe button on his channel.